हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है नए वीडियो की शुरुआत। मैं हूं देव बुटलाड़। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बंदा पहाड़ी में। और आज आपको ले चलते हैं हम घेरसंड साइड, है ना। और बोले तो शीतकालीन राजधानी की ओर लगभग सभी गांव वाले जा रहे हैं घूमी घूमी, और आज वहीं रहेंगे, कल आएंगे वापस। तो आज उधर का मैं नज़ारा दिखाएंगे आपको बढ़िया सा। लगभग सभी जा रहे हैं तो सभी को दिखाऊंगा आपको वीडियो में, तो मज़ा आएगा। अभी तो मैं गांव के रास्ते में हूँ, सब लोग आगे चले गए हैं क्योंकि कुछ सामान छूट गया था ना दादाजी का। तो वो दादाजी ने कहा लेके आ जा यार, तो मैं चले गया था। दादा का फ़ोन वोन वगैरह वगैरह ये बैग सब दादाजी का है। तो भाई चलते रहेंगे। आज तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, इधर देख सकते आप लोग पूरा कोहरा मचा हुआ है। तो भाई और भी प्यारा नज़ारा लगने वाला है आज, है ना। रोड की हालत ऐसी अभी भी, और आज हम गोपे से भी जाके आएंगे। मैंने कहा जब गैरसैंण जाना ही है तो गोपे से भी जाके आते हैं सस्ते, है ना। तो भाई थोड़ा रोड का भी पता करते हैं, और ये कागज़ है मेरे पास रोड के, और तो चलते हैं एक्शन के पास और पता करते हैं कहाँ क्या हो गया फिर से। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचे हैं जोशी मठ में, और यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सामान सुन ले रहे हैं इधर सब लोग। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचे हैं पीपल कोटी में, और दिन में क्या जो है ऊपर थोड़ा अपने कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं किया मैंने। इधर हल्की हल्की गर्मी हो रही है अभी भाई, आप बता रही इधर मजे ले रहे भाई पहन कर, कभी कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पे एक पत्थर आया और भयंकर एक बेचारे के पांव लग गए बाइक वाले को। मुझे तो ढूंढ कौन होगा। नमस्ते, यहाँ से निकल रहा पत्थर गिर रहा है यहाँ से पूरा। तनाक वाली ट्रैप वॉल एम्बुलेंस है। ठीक है, सब लोग जा रहे हैं एक्शन के पास रोड के लिए। हमारे चाचा देखे वही तो अपने उसमें कोई
टेंडर सिस्टम है वो कह रहे थे बंजर पड़ गई जो सड़कें बंजर पड़ी हैं वो अच्छी बात है वो अच्छी बात है इतने बड़े के इतने नहीं है आप लोगों के लिए तो आप तो सफर करिए और दब गए ना भाई अपना दिन तो अपना हम कैसे लोग तो बाहर करें तो हम कई चीजें बोल सकते भाई घर पर के आप अपने खुद गांव के भाई को तुम घूम के तो ऐसा करो ऐसा करो भाई बोलेगा फिर मेरे पीछे आप तुम ऐसा करो टेंडर तो ओपन भाई को खोल लेते हो हां हां तुम जाना कर बात तो अभी लोग हम लोग आए हैं एक्शन के पास तो उन्होंने कहा कि हम दो चार दिन में रोड की काम शुरू कर देंगे देखते हैं क्या होता है और अभी तो उन्होंने कहा कन्फर्म जेस भी भेजते अपने फिर भी चार आठ घंटे आठ यार जी से यार फोटो बस बस चलता है जा जा अच्छा मेरे को बोलना आज हम आदिवासी अजंता एक ऑफिस में आए हैं अपने बोर्ड के संदर्भ में और श्री पटवाली ने हमें आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में रोड में जो मलबा आया है उसको क्लियर कर देंगे और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट शासन से आने के पश्चात डिपार्टमेंट द्वारा सड़क का रिवाइज एस्टिमेट शासन को प्रेषित किया जाएगा तत्पश्चात सड़क के अग्रिम कार्रवाई होगी। बेटा बताओ आज हम लोग स्वायतोटा तोरमा मोटर मार्ग के संबंध में अधिशासी अभियंता महोदय से अभी मिले हैं और थोड़ा अफसोस का विषय था कि जो स्वायतोटा तोरमा मोटर मार्ग है विगत 17-18 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है जो उसका प्रथम चरण का कार्य था मात्र 1.5 किलोमीटर में ही हमारा 17-18 साल लग चुके हैं और हम कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करवाया जबकि हम अवगत कराते शासन प्रशासन का यही जवाब होता है कि हम जल्द से जल्द स्वायतोटा तोरमा मोटर मार्ग के उसमें काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाएगा लेकिन आज तक हमें धोखा में रखा गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि पठवाल साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फिर से स्वायतोटा तोरमा मोटर मार्ग को जितना जल्दी हो सके हम बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे देखना होगा कि और कितना साल लगेगा कितना साल तक हमारे तो आगे देखने के पत्रकार को ही बोल क्या देखिए बोले कि यहाँ पे नहाएंगे हम लोग बढ़िया सा यहाँ पे और देखते कितना नहाते हैं। आज हम लोग गए थे PWD विभाग में और वहाँ पे हमने अपने रोड की बात रखी और उन्होंने कहा कि हम लोग एक दो दिन में JCB भेजते हैं और एक्शन से और ऐसे बात हुई और एक दो दिन में रोड का एक दो दिन में रोड का काम शुरू हो जाएगा तो देखते हैं कब तक भेजते हैं। जैसे कि दादा लोग और चाचा लोग ने बताया आपको तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। अभी हम लोग यहाँ पे आए यहाँ पे नहाने वाले हैं तो भाई मज़ा आएगा। ओ सब लोगों ने कपड़े निकाल रहे हैं नहाएंगे ये है सब लोग इधर दिनू मोटा भी है ये नहाने चले गया नहाएंगे सब लोग वो मज़ा आएगा। दिनू मोटा इधर ये भी चले गए इधर ये वो भी जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा। नंगा हो गया हूँ अब यहाँ पे नहाएंगे बढ़िया सा तो चलते हैं और इधर देखिए हमारे साथ के इधर नहा रहे हो भाई आराम से देखिए नंगों पंगों को कमोटो ले नहा लिए हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से कपड़े वपड़े पहनते हैं। ये हमारे चाचा जी भी नहा गए हैं यहाँ पे खा रहे हैं सब लोग खाना और दादा बढ़िया बैठ ला डॉन साहब हम लोगों ने खाना में खा लिया और यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं उससे निकलते हैं यहाँ से मोनू बेटा हमारा पेट्रोल भर रहा है।
ये नज़ारे देखो ना, क्या प्यारे लग रहे हैं। देखो मकान इधर भी तक, ये वाला क्या प्यारा लग रहा है अभी। ये देखिए मस्त नज़ारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कल ना हम लोग बहुत लेट से पहुंचे, अंधेरा हो गया था और बारिश भी होगी तगड़ी वाली, तो मैं इसलिए वीडियो एंड नहीं कर पाया और दिखाया आपको रास्ते का बड़े बड़े नज़ारे, है ना, गैरसैंड और यहाँ नागचुला के तो नहीं दिखा पाया, गैरसैंड तक दिखा पाया। उसके बाद तो अंधेरा हो गया था क्योंकि हम चाय पीते पूते इधर थोड़ा नज़ारा देखते आ रहे थे। तो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मेरे टॉप को नेक्स्ट मिनट, तब तक बाय बाय।